अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, तो काइंडली इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसका आप थंबनेल भी देख रहे हैं, तो इसके ऊपर माशाल्लाह काफ़ी सारे व्यूज़ भी आप लोगों के आए, बहुत सारा प्यार भी आप लोगों का आया और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इस वीडियो के ऊपर आया, मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला। तो कई भाइयों ने मुझे अप्रिशिएट किया और कई भाइयों ने मुझ पर गालम गलोज भी। अगर आपने गालम गलोज की तो भाई इसमें मेरा क्या गया? आपने अपना मुंह गंदा किया, आपने अपने गुनाहों में इजाफा किया। तो भाई इस वीडियो में बहुत सारे लोग थे जो अप्रिशिएट करने वाले, जिन्होंने कहा कि उस्मान भाई आपने सच बोला, ऐसा बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मोटर जनरेटर चला के हम दूसरी चीज़ों को भी चला सकते। तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि कहते थे उस्मान भाई ये करके दिखाएं। तो फिर मैं उन्होंने ये जवाब दिया था कि भाई एक फेल प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अपने इतने सारे पैसे क्यों लगाऊं, तकरीबन इसके ऊपर मुझे एक मोटर खरीदना पड़ती, एक जनरेटर, उसके ऊपर वो जो ज्वाइंटर है वो खरीदना पड़ता, फिर जनाब फ्लाई व्हील खरीदना पड़ता, फिर ये सब कुछ खरीदने, भाई इतने तो मुझे इस वीडियो से पैसे नहीं मिलने जितने मुझे उस वीडियो के ऊपर खर्च करने पड़ जाने थे। तो फिर वो कहते उस्मान भाई वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये किया? भाई अगर उन्होंने किया तो उनका ये शायद काम होगा, यानी कि मोटर जनरेटर वगैरह उनका सेल परचेज का काम होगा और कोई वेल्डर होगा, इसीलिए उन्होंने ये काम किया तो उन्हें कोई मतलब के महसूस नहीं हुआ। मुझे ये सब चीज़ें खरीद के सब कुछ करना पड़े। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अरेंज करके मैं जो है इस सेट को बनाकर आपको दिखाऊं कि भाई ये नामुमकिन है, उनके अम्पेयर्स, उनके जो आरपीएम वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि इसी महीने के अंदर अंदर आपको ये सब कुछ करके दिखाऊं। तो आज की इस वीडियो में आपको इनके फ्रॉड के बारे में बता रहा हूँ कि भाई ये क्या करते हैं, आपको क्या करके दिखाते हैं कि वो मोटर जनरेटर भी चलता रहता है और उनके साथ लोड भी चलता रहता है। तो वो ऐसा क्या करते हैं, कहाँ से वो चलाते हैं अगर यह नामुमकिन है? तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल लाजमी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने थंबनेल आ रहा है कि इसके अंदर ये मोटर जनरेटर को चलाकर लोड भी चला रहे हैं। तो भाई बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे ये सवाल किया, तो उस्मान भाई ये कैसे हो जाता है? अगर ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो फ्लाई व्हील को लगाते हैं, फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो जी भाई वो कर लेता है, लेकिन वो उतनी ही एनर्जी को स्टोर करता है जितनी आप उसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप एक कैपेसिटर को जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जितना आप उसे चार्ज प्रोवाइड करते हैं उतना ही वो डिस्चार्ज करता है, इसी तरह जितनी एनर्जी आप इस फ्लाई व्हील को प्रोवाइड करते हैं जो आप देख रहे हैं, इतनी ही एनर्जी ये देता, उसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देता। ये नहीं होता कि भाई ये खुद ब खुद जादू की वजह से वो चलना शुरू होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है, तो जितनी एनर्जी वो स्टोर कर लेता है वही ये आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, वो फिर कॉन्टिन्यूस आपको दिखा रहे होते हैं कि भाई एनर्जी तो हमने उसे प्रोवाइड की थी 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, या एक मिनट के लिए हमने मोटर चलाई थी, एक मिनट की एनर्जी उसके अंदर आ गई है। तो वो 5 से 10 मिनट की वीडियो कैसे बना लेते हैं? तो भाई उनमें ज़्यादातर लोग, अगर आपने वीडियोज़ देखी हो इनकी, तो वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि वीडियो को बहुत ज़्यादा उन्होंने कट लगाए होते हैं। और दूसरा, अब बाकी पॉइंट्स बताने से पहले भाई आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा भाई, तो दूसरा जो है वो ये कि भाई उन्होंने बोर्ड के अंदर एक्सटर्नल जो है वो अपना कनेक्शन किया होता है, जिसकी वजह से आपकी मोटर भी चलती रहती है और आपका लोड भी चलता रहता है। और जनरेटर एक डमी जनरेटर रखा हुआ होता है, वो किसी काम का नहीं होता, तो क्योंकि वो आपको ना वोल्ट्स उसके दिखाते हैं, ना वो अम्पेयर दिखाते हैं, ना उसके आरपीएम वगैरह आपको चेक करवाते हैं, कुछ भी नहीं चेक करवाते। बोर्ड के अंदर एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ होता है जिसकी वजह से आपकी मोटर भी चल रही होती है और जनरेटर भी। और तीसरा, वो क्या करते हैं, जनरेटर के अंदर जो है उसके जो पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर से वो जनरेटर की तारें निकालते हैं, उसके साथ एक एक्सटर्नल सोर्स को जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो जो आप देखते हैं कि यार जैसी जनरेटर की उसने तार लगाई है तो वो दोबारा से चलना शुरू हो गया, यानी कि जो मोटर के थोड़े से आरपीएम डाउन हो जाते हैं वो दोबारा से तेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका लोड भी चल जाता है, आपका ये सब कुछ। तो भाई वो जनरेटर की पावर नहीं होती, वो एक्सटर्नल सोर्स दिया होता है उन्होंने, जिसकी वजह से जो आपका जो मोटर है आपकी और जो आपका लोड है वो सब कुछ चलना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई फ्री एनर्जी नहीं है और कोई जनाब ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप फ्री एनर्जी हासिल कर सकते हैं। हाँ, फ्री एनर्जी के लिए आप
सोलर को यूज़ कर सकते हैं आप, जो है हाइड्रो पावर प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं आप, जो है अपने विंड पावर प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं आप, टाइडल पावर प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टाइडल समंदरी लहरों से जो एनर्जी पैदा की जाती है उसे टाइडल पावर कहते हैं। बायोगैस प्लांट्स जो हैं उनसे आप फ्री एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ऐसे ही कोल से फ्री एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो ये है फ्री एनर्जी के ज़राए, ना कि ये वाला जो आप देख रहे हैं भाई ये कोई फ्री एनर्जी नहीं है, ये जस्ट लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का एक ज़रिया है इनका, और कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ये सब कुछ परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। थोड़ी सी बातचीत चल रही है मेरी कुछ लोगों के साथ ताकि हमें इसके ऊपर थोड़े पैसे भी ना लगाने पड़ जाएं भाई, क्योंकि बहुत ही महंगा आता है ये जनरेटर और ये मोटर। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी जान पहचान निकाल करके भाई आपको ये सब कुछ करके दिखा दूँ। तो इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर आपको इसका जो फेल प्रोजेक्ट या फेल तरीका है फ्री एनर्जी का वो करके दिखाऊंगा, इसका RPM एम्पेयर सब कुछ वगैरह चेक करा के और ये चला कैसे लेते हैं ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है और आगे शेयर भी करना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।